गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पहला पेज पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स यानी कि इंडिया में जो फिजिकली हमें देखने को मिलता है, इंडिया को फिजिकली 6 भागों में बांट रखा है। कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला हम यहाँ देखेंगे द हिमालयन माउंटेन्स, यानी कि हम लोग यहाँ पे हिमालयन माउंटेन की रेंजेस जो हैं उसको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, यानी इसकी फुल डिटेल्स जानकारी, डिटेल्स में हमें जानकारी यहाँ मिलने वाली है। द नदर्न प्लेन्स यानी उत्तर का जो समतल वाला भाग है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके अलावा हमें जो पेनिनसुला वाला जो प्लेट्यू है वो भी हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। द इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट जो है जिसे हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने को मिलेगा, काफी अच्छा यहाँ पे नॉलेज मिलने वाली है हमको। द कोस्टल प्लेन्स, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्र के तटीय इलाके हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे। और लास्ट है द आइलैंड, जो भारत के प्रमुख आइलैंड्स हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, नोट दिया हुआ है यहाँ पे, नोट में लिखा हुआ है इंडिया इंडियन हैज ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक माउंटेन, यानी कि भारत में हर टाइप का फिजिकल फीचर हमें देखने को मिलेगा, चाहे हम लोग यहाँ पे माउंटेन्स की बात करें, प्लेट्यूज की बात करें, प्लेन्स की बात करें, डेजर्ट, आइलैंड एटसेट्रा, यानी कि हमें फिजिकल फीचर्स में सब कुछ देखने को भारत में मिलता है। द इंडियन मेनलैंड डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, और इस तरीके से हमारा जो भारत देश है यहाँ पे हमें विविध प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। जब हम पता है कि हमें माउंटेन्स भी देखने को मिल रहा है, प्लेट्यूज भी मिल रहे हैं, प्लेन्स भी मिल रहे हैं, डेजर्ट भी मिल रहा है, आइलैंड भी मिल रहे हैं, यानी कि एक ही देश के अंदर हमें हर टाइप का फिजिकल फीचर देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फिजिकल वेरिएशन तो होने लाजमी है। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क ऑन द अर्थ सर्फेस, अगर हम बात करें जियोलॉजिकली हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पेनिनसुला वाला जो पार्ट है भारत का वो अर्थ पे सबसे पुराना लैंडमास है, यानी कि अर्थ पे पाया गया सबसे पुराना जमीन का टुकड़ा है कौन सा वाला, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला हिस्सा है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ द हिमालयाज रिप्रेजेंट्स अ वेरी यंग टोपोग्राफी, जो हमारा होल माउंटेन सिस्टम है, कौन सा माउंटेन सिस्टम, हिमालयाज वाला, ये हमें यंग टोपोग्राफी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके साथ हमें यहाँ पे हाई पीक्स, ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो देखने को मिलती हैं, डीप वैलीज, काफी गहराई में जो वैलीज होती हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है हिमालयन जो माउंटेन रेंज है उसके अंदर, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, और साथ ही साथ यहाँ से हमें तेजी से बहती हुई नदियां भी देखने को मिलती है। भाई सीधी बात है, जब हिमालय जो माउंटेन है वो काफी ऊंचा भी है तो वहां से जो नदी बहेगी वो काफी स्पीड में ही बहेगी। तो एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ हिमालयन रिवर्स फ्रॉम द नदर्न प्लेन, इसके अलावा हमें हिमालय की जो रिवर होती हैं उन रिवर्स के साथ में आने वाली जो डिपॉजिट्स होते हैं, एलुवियल सॉइल जिनसे बनती है, वो सब भी हमें नदर्न प्लेन्स में देखने को मिलता है। तो अभी हम देखते हैं आगे ग्लॉसरी में क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ वर्ड्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, समझने चाहिए। पहला पॉइंट है बांगर, बांगर क्या होता है, द ओल्डर एलुवियम ऑफ द नदर्न प्लेन इज कॉल्ड द बांगर, यानी कि नदर्न जो प्लेन्स हैं, हमारा जो उत्तरी समतल मैदान, उत्तरी मैदानी जो भाग है जिसमें हम बात कर सकते हैं पूरा हरियाणा लगभग लगभग आता है, पूरा पंजाब आता है, पूरा यूपी, पूरा बिहार, थोड़ा बहुत राजस्थान और पश्चिम बंगाल का हिस्सा, ये सभी के सभी जो है एक तरीके से नदर्न प्लेन्स कहलाते हैं। और यहाँ पे क्या है, नदियों के द्वारा हर साल नई एलुवियल सॉइल जो है बहाकर लाई जाती है, उन सेडिमेंट्स को ही हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं जो नदी के साथ बहकर पानी के साथ में आती है। तो जब ये एलुवियल सॉइल पुरानी हो जाती है तो इसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। अगला है डूम्स, नैरो वैलीज फाउंड बिटवीन शिवालिक एंड द मिडिल हिमालयाज, तो डूम्स क्या होते हैं, डून कुछ नहीं है, हिमालय की जो शिवालिक और मिडिल हिमालय की रेंजेस हैं, एक्चुअली क्या है, हिमालय को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डिवाइड क्यों किया हुआ है, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो हमने शिवालिक और जो मिडिल हिमालयाज हैं
जिनको डिवाइड कर रखा है अलग भागों में, इनके बीच में जो काफी गहराई में और सकड़ी सी जो वैली होती है, जो खाई होती है, उसे हम डून्स बोलते हैं। और जब कोई शहर इन सकड़ी सी खाइयों में बसा होता है तो उसे हम उस शहर के लास्ट में डून लगता है, जिसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है देहरादून। अगला है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? अ रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ मेजर रिवर, यानी कि कोई रिवर जो कि एक बड़ी रिवर से उत्पन्न होती है। इट इज फॉर्म नियर द रिवर्स माउथ। और ये कहाँ फॉर्म होती है, कहाँ बनती है? रिवर के माउथ पे, यानी रिवर का जो मुहाना होता है वहां से ये स्टार्ट होती है, वहां बनती है, बिफोर इट फॉल्स इन टू द सी। और वो भी किस जगह पे? समुद्र में गिरने से जस्ट पहले। अगला है डेजर्ट। अ लार्ज ड्राई एरिया लार्जली डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन फॉर वॉन्ट ऑफ रेन और वॉटर, यानी कि एक काफी बड़ा एरिया जहां पे वेजिटेशन की अल्पता होती है और साथ ही साथ यहाँ पे पानी और बारिश दोनों की कमी होती है। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, बाकी मैं ग्लॉसरी के बचे हुए पार्ट्स को कल कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू। अगला है दोआब। दोआब क्या होता है? द एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू रिवर्स दैट मीट सच एज द वन बिटवीन द गैंगेस एंड द यमुना इन इंडिया। यानी कि दोआब क्या होता है? दोआब बहुत सिंपल सा है, दो नदियों के बीच में जो जगह बनती है उसे हम दोआब कहते हैं। दोआब बहुत ही ज्यादा फर्टाइल एरिया होता है क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से नदियां बह रही होती हैं और नदियों के द्वारा सेडिमेंट्स को बहा करके वहां पे उन डिपॉजिट्स को रखा जाता है या बहा करके लाया जाता है। और जो डिपॉजिट्स होते हैं वो एलुवियल सॉइल होती है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। तो आया दोआब क्या है? दोआब कुछ नहीं है, दो नदियों के बीच की जगह होती है। ये नदियां आगे जाकर के गंगा या यमुना में जाकर के मिल जाती है। अगला है रिवराइन आइलैंड। ये क्या होता है? आइलैंड इन रिवर, यानी कि नदी के मध्य में जब कोई आइलैंड बन जाता है तो उसे हम रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। सोचो कोई नदी बह रही है, नदी अपने साथ बहुत सारी सेडिमेंट्स को बहा करके ला रही है, मिट्टी पत्थर वगैरह बहा के ला रही है, और वो पत्थरों को उसने ला करके एक जगह पे लाकर इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया नदी के बीचों बीच। अब वो पत्थर इकट्ठे होते 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 काफी ऊंचे हो गए, यानी इतने ऊंचे हो गए कि बीच में ऐसा लगने लगा कि जमीन ऊंची हो गई है। उस जगह को हम बोलेंगे रिवराइन आइलैंड, यानी कि नदी के द्वारा बनाया गया आइलैंड। अगला है बर्चन्स। बर्चन्स क्या होती है? बर्चन्स आर क्रेसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स। बर्चन्स क्या होते हैं? लहरदार जो शेप होती है उसमें बने हुए मिट्टी के टीले होते हैं, प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ विंड इन द वन डायरेक्शन। और ये बनते किससे हैं? जब एक ही दिशा में हवा लगातार चलती है तो उससे इस तरीके की मिट्टी में लहरदार एक संरचना बनती है, जिसे हम बर्चन्स के नाम से जानते हैं। लास्ट है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं? एन अपलैंड एरिया सच एज द हिमालयाज और आल्प्स फॉर्म बाय द बकलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यानी कि एक उठा हुआ भूभाग जैसे कि हिमालय और आल्प्स के बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। ये बनते किससे हैं? बकलिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के बकल होने की वजह से। यानी कि सोचो जब दो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े आपस में टकराते हैं, उनमें एक टुकड़ा जो ऊपर उड़ जाता है और एक टुकड़ा नीचे धस जाता है, तो उससे जो माउंटेन्स की संरचना होती है उसे हम फोल्ड माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमारा जो पार्ट था ग्लॉसरी का वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अगले सेशन में हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। थैंक यू।